हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीके ज़रूरी है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीयूटी पीजी सोशल वर्क एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक और नई सीरीज़। सीरीज़ का नाम है हमारा क्विक रिवीजन सीरीज़। ये बहुत ही छोटी सीरीज़ रहने वाली है जिसमें हम डेली सोशल वर्क एंट्रेंस के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। इसमें हम उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पर भी बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फैमिली। तो फैमिली क्या होती है? फैमिली एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि बाय ब्लड, बाय मैरिज और या कह लीजिए बाय अडॉप्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम फैमिली कहते हैं। डिफिनेशन मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, एक सेकेंड। तो व्हाट इज़ अ फैमिली? फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज और क्या बताया था, अडॉप्शन। तो ऐसा कोई भी इंडिविजुअल का ग्रुप जो बाय ब्लड, बाय मैरिज या बाय अडॉप्शन रिलेटेड है वो हमारी फैमिली कहलाती है। और फैमिली भी कई प्रकार की होती हैं, न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली जिनको जॉइंट फैमिली भी कहते हैं, तो होती हैं। जिनमें से जॉर्ज मर्डॉक जो हैं उन्होंने न्यूक्लियर फैमिली के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया था। उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियर फैमिली के मोर इम्पोर्ट चार इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो हमारी जो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में, रिजॉल्व करने में सर्व करती हैं। वो चार इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं जान लेते हैं। पहला है इनका रेगुलेट सेक्सुअल रिलेशंस। तो फर्स्ट मेजर फंक्शन हो गया रेगुलेट सेक्सुअल रिलेशन। दूसरा है अकाउंट फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल। तीसरा काम होता है कि कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। एंड फोर्थ इज सोशलाइजेस चिल्ड्रन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूक्लियर फैमिली का फंक्शन बताया गया है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मर्डॉक, वैसे तो ये चार लिस्ट किए गए हैं पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया गया है वो होता है सोशलाइजेशन ऑफ अ चिल्ड्रेन। कई जगह सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ फैमिली, नॉट न्यूक्लियर फैमिली, फॉर एवरी फैमिली। कि चिल्ड्रेन का जो सोशलाइजेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे फैमिली का। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके सी यू टी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपके जो सी यू टी के बाद यू जी सी नेट एग्ज़ाम है उसमें भी ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं एम सी क्यूज़ में। तो आपका ये टर्म्स की मीनिंग का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है किसी न किसी तरह आपके इन टर्म्स के थ्रू हेल्प हो जाए अगर आपको पूरा टॉपिक अच्छे से नहीं भी पता है। तो आइए जान लेते हैं टर्म्स क्या हैं। पहला है हमारा न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? जिसमें एक मैरिड कपल और उसके बच्चे जब साथ में होते हैं तो वो हमारा न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है। जैसे कि आप होंगे और आपके मम्मी पापा, अगर आप लोग बस आप ही तीन चार लोग साथ में रह रहे हो, आप और आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन, तो वो हमारी एक फैमिली जो हो जाएगी वो न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी। पर अगर आपकी फैमिली में आपके मासा मासी या फिर चाचा चाची और उनके बच्चे, दादा दादी ये सब भी रह रहे हैं तो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है, या उनको उस एक्सटेंडेड फैमिली को कभी कभी जॉइंट फैमिली भी बोला जाता है। अब फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या होती है? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन इज़ बेसिकली जिस फैमिली में आप बॉर्न हुए, जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, वो हमारी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होती है। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन क्या होती है? एक ऐसी फैमिली जो कि आप से स्टार्ट होगी, जब आप एक पेरेंट बन जाएंगे, जब आपका एक बच्चा होगा तो जो वो फैमिली होगी वो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन होगी। तो द फैमिली ऑफ विच द पर्सन कंसर्न इज़ अ पेरेंट। किन क्या होते हैं? हमारे जितने भी रिलेटिव्स हो गए जो बाय डिसेंट या बाय मैरिज आते हैं, यानी जो हमारे बाय ब्लड हमारे हैं जो रिलेटिव्स, या फिर बाय मैरिज से जो भी हमारे रिलेशन बनते हैं, तो वो सब हमारे किन कहलाते हैं। अब मैट्रियार्की। मैट्रियार्की फैमिली के कैसी फैमिली होती है? मैट्रियार्की फैमिली में जो घर में जो डोमिनेंस होता है या फिर घर का जो भी सारा जो भी घर का हेड कह लीजिए होती है, वो अगर फीमेल है, वो अगर आपकी माँ है या फिर मदर है, तो वो मैट्रियार्की फैमिली होती है। तो एक ऐसी फैमिली जिस फैमिली का हेड एक
फीमेल है वो मैट्रियार्की फैमिली हो जाएगी, या फिर अगर सोसाइटी की बात करेंगे तो कोई एक ऐसी सोसाइटी जिसमें फीमेल डोमिनेंस है, जिसमें जो ज़्यादा पावर है वो फीमेल के पास है, वो हमारी मैट्रियार्की सोसाइटी हो जाएगी। और अगर वही चीज़ फैमिली में होगा कि जो ज़्यादा पावर जो भी फैमिली का हेड अगर कोई फीमेल है तो वो हमारी मैट्रियार्की फैमिली कहलाएगी। सेम इसका अपोजिट होता है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की फैमिली या पैट्रियार्की सोसाइटी में क्या होता है, जो डोमिनेंस होता है, जो जो मेन पावर होती है, जो हेड होता है फैमिली का, वो एक मेल होता है, वो एक फादर होता है, तो वो हमारा पैट्रियार्की फैमिली कहलाता है। तो कोई एक ऐसी फैमिली जिसमें जो हेड हो उस घर का वो फादर हो, जिसके जो मेन सारे डिसीजन, जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी या पावर हो, अगर फादर हो या फीमेल या फिर मेल हो, तो वो हमारी कौन सी फैमिली हो जाएगी, पैट्रियार्की फैमिली। नेक्स्ट है पैट्री लोकल। तो ये क्या होता है, पैट्री लोकल जो हमारी प्रैक्टिसेज हैं वो ये है कि जब एक मैरिड कपल जो दूल्हा होता है उसके घर में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, शादी के बाद वो दोनों लोग अपने जो दूल्हा है उसके घर में रह रहे हैं, तो वो हमारा पैट्री लोकल प्रैक्टिस कहलाती है। जैसा कि हमारे इंडिया में होता है, जो दूल्हा है वहाँ दुल्हन दूल्हे के घर आके रहना स्टार्ट करती है, तो वो पैट्री लोकल सोसाइटी हो जाती है हमारी, पैट्री लोकल सॉरी पैट्री लोकल प्रैक्टिस है हमारी। अब मैट्री लोकल प्रैक्टिस क्या होती है, जब शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के घर जाके रहने लग जाए, जब जो दूल्हा है वो दुल्हन के पेरेंट्स के साथ रहने लग जाए, वो हमारा मैट्री लोकल प्रैक्टिस हो जाता है, जिसको हम घर जमाई भी कहते हैं। जब दूल्हा घर जमाई बन के रहने लग जाए तो क्या हो जाता है, वो मैट्री लोकल। अब अंकुल ओकल क्या होता है, जब दोनों जो मैरिड कपल है वो दूल्हे के मामा के यहाँ रहने लग जाए या फिर मामा के करीब रहने लग जाए, तो वो हमारा अवेंकुल ओकल कहलाता है। दूल्हे के मामा के साथ अगर रहने लग जाए, दुल्हन के मामा के साथ नहीं, दूल्हे के मामा के साथ यानी कि दुल्हन की मम्मी के भाई के साथ अगर रहने लग जाए, तो वो जो हमारा प्रैक्टिस कहलाएगी वो अवेंकुल ओकल प्रैक्टिस कहलाएगी। रेजिडेंस पैटर्न भी कहते हैं। न्यू लोकल रेजिडेंस पैटर्न क्या होता है, जिसमें जो मैरिड कपल है वो ना ही दूल्हे के घर में शिफ्ट होते हैं ना ही दुल्हन के घर में शिफ्ट होते हैं, वो एक सेपरेट अपना एक इंडिपेंडेंट हाउस होल्ड बनाते हैं, दोनों के पेरेंट्स से अलग अपना इंडिविजुअली वो रहना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रेजिडेंस पैटर्न है वो हमारा न्यू लोकल पैटर्न होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं फैमिली से रिलेटेड, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो या फिर कहिए यूज़फुल हो सकते हैं आपके CUT एग्ज़ाम्स के लिए, UGC नेट एग्ज़ाम के लिए जो ठीक उसके बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तो इन टर्म्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जॉर्ज मर्डॉक न्यूक्लियर फैमिली, ये एक अच्छा कीवर्ड है, कई बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं जॉर्ज मर्डॉक का न्यूक्लियर फैमिली से रिलेट करके क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स जॉर्ज मर्डॉक, इसने चार फंक्शन दिए थे, मेन फंक्शन था सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब कुछ MCQs कर लेते हैं लास्ट में। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच सोशियोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो अभी मैंने आपको बताया, राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी गेस करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शंस हैं एमाइल डर्खाइम, टेलकॉट पर्सन, कार्ल मार्क्स या जॉर्ज मर्डॉक। राइट आंसर इज जॉर्ज मर्डॉक। नेक्स्ट है, इन सोशियोलॉजी द टर्म पैट्रियार्की रिफर्स टू। अब पैट्रियार्की जो टर्म है वो किससे रिफ़र करता है, अभी मैंने वीडियो में बताया था, तो जल्दी से इसके आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ABC क्वेश्चन नंबर लिखें, आंसर लिख दें, बस खत्म। आई नो लाइव वीडियो नहीं है, पर अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, और आपके जब कमेंट्स आएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ वीडियो को लोग आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपको आंसर्स पता चल रहे हैं। तो पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है, मेल डोमिनेंस इन दी सोसाइटी या फिर फैमिली। तो सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन रिफर्स टू। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन इसको कहते हैं, अभी बताया गया था कि जिसमें हम पैदा होते हैं, एक ऐसी फैमिली जिसमें हम पैदा हुए हैं, जिसमें हमको पाला पाल पोस के बड़ा किया गया, तो वो हमारी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहलाती है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रूल ऑफ रेसिडेंस वेयर अ कपल अपॉन बींग मैरिड गो टू लिव विद ब्रदर ऑफ द ग्रूम्स मदर एयर नोन एज। वही मैरिड कपल जब दूल्हे के मामा के साथ रहने लग जाए, तो वो कौन सा
रूल ऑफ रेजिडेंस कह लीजिए, या फिर कौन सी प्रैक्टिस होती है वो रेजिडेंस की, पेट्री लोकल, एवेंकुलोकल, मेट्री लोकल या नियो लोकल। ये स्पेलिंग गलत है, मैं ठीक करके लिख देता हूँ। कमेंट बॉक्स में स्पेलिंग मत बताइएगा, कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है। तो लीजिए ये राइट स्पेलिंग लिख दिया हमने, तो आंसर इसका क्या होगा, एवेंकुलोकल। जो जो सही आंसर है उसी की ही स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कोई बात नहीं होता है, इग्नोर करिए, आंसर पर ध्यान दीजिए। एवेंको लोकल एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें जो मैरिड कपल है वो दूल्हे के मामा के साथ या फिर दूल्हे की मम्मी के भाई के साथ जाके रहने लगते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो लोकल रेसिडेंस रिफर्स टू अ मैरिटी पैटर्न, मैरिटल पैटर्न वेयर जो कपल कहाँ जाके रहने लगता है, नियो लोकल। नियो लोकल में ना ही वो ग्रूम्स के घर में जाके रहते हैं, ना ही वो वाइफ के घर में जाके रहते हैं या ब्राइड के घर में जाके रहते हैं, वो दोनों एक अपना अलग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हाउस होल्ड में जाके सेटल हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, द मैरिड कपल लिव सेपरेटली फ्रॉम बोथ सेट्स ऑफ पेरेंट्स। खत्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्प करेगा आपके CUET और UGC नेट एग्ज़ाम्स की लास्ट मिनट प्रिपरेशन में। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक लॉन्ग आपका कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए है। कृपया इसी वीडियो पे आप अपनी प्रिपरेशन ना छोड़ के जाइएगा। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अब तक अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है और इस टाइम वो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं डेली अपने CUET या UGC नेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आपने कभी इससे पहले सोशियोलॉजी या सोशल वर्क कभी नहीं पढ़ा है तो आप, और आप बस जस्ट पेपर देने जा रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ें, तो भी आप ये वीडियो मेरे ख्याल से यूज़फुल हो सकती है। अगर आप ये इतने कीवर्ड्स और ये जो कुछ MCQs हैं इनको आप देख लें तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल हो सकती है। आई गारंटी कि इतने कीवर्ड अगर आपको पता है जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं तो आपके एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें से आ सकता है और आप वो सही करके भी आएंगे। इससे बाहर फैमिली में सोशल वर्क में मुझे तो नहीं लगता कुछ पूछेंगे इन CUET लेवल, UGC नेट में तो बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, पर मैं CUET के लिए कह रहा हूँ कि इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कि फैमिली में कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब, हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो देख रहे हैं लाल बटन आ रहा होगा वहीं पे दबा दें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @GKZRURIHai पे मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी डायरेक्ट DM कर सकते हैं फॉर एनी कंसर्न, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @GKZRURIHai पे भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ, मैरिज। तो थैंक यू।